हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू। केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सेपरेशन में, व्हेन सॉलिड इज डिजॉल्व इन सॉलिड, ओके, मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, एंड मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड मिक्सर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये उससे पहले सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सर को किस तरीके से सेपरेट करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं, और सॉलिड सॉलिड के मिक्सर को कैसे सेपरेट करेंगे वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पर जनरली यहां पर मैं आपको दो प्रोसेसेस के बारे में बता रहा हूं। तो फर्स्ट है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और दूसरा है बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। लेकिन यहां बात यह है कि ये मेथड कब यूज होता है और ये मेथड कब यूज होता है, तो इसके लिए आपको मिसिबल लिक्विड्स ओके और इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड्स, ये दो टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, ओके। एक्चुअली व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स, तो दो लिक्विड्स विच मिक्स टूगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, ओके, व्हेन पुट इन अ कंटेनर, ओके, आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। एक्चुअली जब दो लिक्विड आपस में पूरी तरीके से मिल जाएं, ठीक है, और किसी कंटेनर में यदि रखा जाए उनको, तो एक सिंगल लेयर बनाए, वो क्या कहलाएंगे, मिसिबल लिक्विड्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम, एल्कोहल प्लस वाटर, इन दोनों को यदि मिक्स करेंगे तो ये कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो ये मिसिबल लिक्विड्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इमिसिबल लिक्विड्स की हम बात करते हैं, तो दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर व्हेन पुट इन अ कंटेनर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। जब मिक्स नहीं हो और अलग अलग लेयर्स बनाए किसी कंटेनर में रखने पर, तो वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑयल प्लस वाटर। आपने देखा होगा ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते, तो इन दोनों के प्रोसेस को हम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके, और इनको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल, ओके। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल एंड वाटर के मिक्सर को किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, ओके। The distillate being collected in fractions boiling at different temperature. Actually distillation से हम इनको separate करेंगे, लेकिन जो distillate होंगे उनको हम अलग अलग fractions में उनके boiling point के differences के base पे और उनको separate कर लेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो actually जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ओके। यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है उसी का हम यूज करेंगे सेपरेट करने में, ठीक है। तो एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ओके
ओके देखिए यहां पर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया हुआ है और इसमें मिक्सर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर का ये मिक्सर है ओके और यहां पर ये वायर गॉज के ऊपर इसको रखा गया है और यहां पर स्टैंड पे रखा हुआ है, ये बर्नर है ठीक है जिससे ये कि हीटिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं ठीक है। तो जैसे ही हीटिंग और यहां पर आप देखेंगे कि ये फ्रैक्सनेटिंग कॉलम है ठीक है जिसमें ग्लास बीड्स भरी हुई हैं और ऊपर एक थर्मामीटर लगा हुआ है। एक्चुअली थर्मामीटर इसलिए लगा रखा है कि टेम्परेचर को हम मेजर कर सकें ठीक है। इधर आप देखेंगे कि ये वाटर कंडेंसर है जो कि कूल करने का काम कर रहा है ठीक है। और यहां पर हमने एक बीकर रखा हुआ है जिसमें हम डिस्टिलेट को कलेक्ट करेंगे ओके। तो देखिए क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम हीटिंग प्रोसेस करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर और 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो जो एल्कोहल की वेपर्स हैं वेपर बनना शुरू हो जाएंगी ठीक है। तो यहां पर धीरे धीरे वेपर जब ऊपर पहुंचेंगी तो थर्मामीटर में 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो शो करने लगेगा ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना इस समय हमें मेंटेन रखना है ओके। तो 78 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर ये दिखाने लगेगा तो जो वेपर्स हैं एल्कोहल की वो यहां पहुंचेंगी और यहां से ये वाटर कंडेंसेसर में वाटर की हेल्प से कूल होंगी। कूल होने पर वो एल्कोहल बीकर में हमें मिल जाएगा ठीक है। उसके बाद जब हमें लगेगा कि लगभग एल्कोहल कंप्लीटली और वेपर में कन्वर्ट हो गया है तो हम थोड़ा हीटिंग प्रोसेस बढ़ाएंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखेंगे और जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे भी हम इस तरीके से कंडेंसर के थ्रू और कूल करके और प्योर वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओके। यहां पर एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन आता है हाउ विल यू सेपरेट द गैसेस ऑफ द एयर ओके। तो एक्चुअली एयर इज अ मिक्सर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन ठीक है। बट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है ठीक है। तो इसीलिए गैस एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही प्रोसेस अपनाते हैं ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि एयर की जो गैसेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज करते हैं ओके। चलिए अब हम बात करेंगे इमिसिबल लिक्विड्स की। तो इमिसिबल लिक्विड्स में हम ऑयल एंड वाटर ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं ऑयल और वाटर को किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं ठीक है। तो अब मिक्सर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल ठीक है। तो द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाई सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। यहां पे क्या डिफरेंट था, बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, और यहां पे क्या डिफरेंट है, डेंसिटीज। तो यहां डेंसिटीज में डिफरेंस की वजह से हम ये वाला सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे और यहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया था। तो ये जनरल क्वेश्चन है कि ये किस मेथड पे बेस्ड है, तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये किस मेथड पे बेस्ड है, डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज ओके। वन मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं ओके। तो डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं कि किस तरीके से हम और सेपरेटिंग फनल से ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं ओके। ओके देखिए एक्चुअली ये एक सेपरेटिंग फनल है ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि वाटर और ऑयल ठीक है का मिक्सर लिया हुआ है। ऑयल में केरोसिन ऑयल है, तो केरोसिन इज लाइटर लिक्विड देन वाटर। सो अपर लेयर जो बन रही है वो किसकी है, केरोसिन ऑयल की, और जो लोअर लेयर है वो किसकी है, हेवियर लिक्विड वाटर की ठीक है।
तो ये सेपरेटिंग फनल है, यहां पर एक स्टॉप कॉक लगी हुई है जिससे हम इस नोब को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ये वीकर रखा हुआ है, तो एक्चुअली नीचे वाली जो परत है वो किसकी है, वाटर की है, ऊपर केरोसिन ऑयल की। तो इस स्टॉप कॉक को हम धीरे धीरे ओपन करेंगे तो लिक्विड की फॉर्म, सॉरी, ड्रॉप बाय ड्रॉप और जो वाटर है वो बीकर में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब हमें लगेगा कि धीरे धीरे ये पूरा वाटर कंप्लीटली इसमें आ चुका है, तब हम इसे स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जो लिक्विड है, वाटर है सॉरी, वो तो हमें बीकर में मिल जाएगा और जो केरोसिन है वो इस सेपरेटिंग फनल में यहां ही रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमने दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया, ओके। तो आई होप कि ये दोनों ही प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में साइंस के और चैप्टर हम लेके आएंगे, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, लर्न करिए, ओके, और घर पर स्टे करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।